दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर जिस मेडिसिन का ले रहे हैं वो है कोकुला सिंडिका। कोकुला सिंडिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है होम्योपैथी के अंदर, इनसोम्निया में दी जाती है और खास करके जो नाइट वॉचर्स होते हैं उनको दी जाती है और ट्रेवल सिकनेस में दी जाती है। और जब आपको हैंगओवर होता है, मतलब जब आप एल्कोहल पीने के बाद जब आपको उतरती नहीं है, तो उस दौरान भी हम कोकुला सिंडिका का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ये सारे फीचर्स में कोकुला सिंडिका दी जाती है, आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कोकुला सिंडिका एक ऐसी हर्ब होती है जिसका पुराने जमाने में इस्तेमाल मछलियों को नशा करने के लिए या मछलियों को सुस्त करने के लिए दिया जाता था। क्या होता था, कोकुला सिंडिका की जो पत्तियां होती थी उनका वो पाउडर बनाते थे और जब वो मछलियां पकड़ने जाते थे तो उस पाउडर को पानी में मिला देते थे। इस पाउडर को जैसे ही मछलियां एंगल्फ करती थी तो मछलियों को नशा होने लगता था, उनको गिडीनेस होने लगता था, उनको चक्कर आने लगता था, वो सुस्त हो जाती थी। तो ऐसे में मछुआरे के लिए उन मछलियों को पकड़ना इजी हो जाता था और वो हाथ से ही मछलियों को पकड़ लेते थे, उसके लिए उनको नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए कोकुला सिंडिका का इस्तेमाल एक पाउडर के फॉर्म में मछलियों को बेहोश करने के लिए किया जाता था। अगर हम इस फीचर से कोकुला सिंडिका के फीचर्स को समझने की कोशिश करें तो होम्योपैथी में जो कोकुला सिंडिका होती है उसमें प्रूविंग में हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके गिडीनेस, वर्टाइगो और डलनेस प्रोड्यूस किया। मतलब कोकुला सिंडिका आपको कब देना है, जब मरीज को एक नशासा हो जाए, वो बेहोश हो जाए, वो ज्यादा काम नहीं कर पाए, सुस्त बना रहे। और ऐसा कब कब होता है दोस्तों, जब आपने आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो या जब आपने रात में बहुत ज्यादा एल्कोहल पी लिया और सुबह आपको डलनेस फील हो रही हो, या फिर जब आपने बहुत 12 घंटे 16 घंटे 20 घंटे ट्रेन में सफर किया हो या गाड़ी से सफर किया हो और सफर करने के बाद आपको एक चक्कर से आते हो, या फिर जब आप सो नहीं पाते और उसके बाद चक्कर आते हो, तो आप महसूस करिए कि कुछ ऐसे ही चक्कर वो मछलियां भी फील करती थी जिनको कोकुला सिंडिका का पाउडर दिया जाता था। तो जब इस प्रकार के फीचर कोई मरीज फील करता है तो हम उनमें कोकुला सिंडिका का सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कोकुला सिंडिका नाइट वॉचर्स के लिए बहुत जानी जाती है। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, पुराने जमाने में कोकुला सिंडिका के पाउडर को वाइन और बियर में भी मिलाया जाता था। आप सब जानते हैं वाइन और बियर नशा करने के लिए पी जाती है, एक गिडीनेस आती है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप देखते हैं कई जगह लिखा रहता है स्ट्रॉन्ग बियर, तो उस बियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कोकुला सिंडिका का पाउडर उसमें मिला देते थे। इससे क्या होता था, इससे एक पैग या दो पैग के अंदर ही मरीज को नशा होने लगता था और उसको गिडीनेस और हल्का सा चक्कर आने लगता था, वो लड़खड़ाने लग जाता था। तो इससे बियर की और वाइन की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाती थी और उसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती थी। अगर इस फीचर से हम कोकुला सिंडिका को याद करने की कोशिश करें तो दोस्तों कोकुला सिंडिका एल्कोहल विड्राल या एल्कोहल हैंगओवर के लिए बहुत जानी जाती है। जब भी आप एक्सेसिव एल्कोहल लेने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट होती है तो आप कोकुला सिंडिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एल्कोहल लेने के बाद आपका पेट बहुत फूल रहा है, आपको डकारें आ रही हैं, आपको दस्त लग गए हैं, या आपको एक नशा सा बना हुआ है, उतरने के बाद भी वो जा नहीं रहा, मुंह का स्वाद खराब हो रहा है, ऐसे में आप कोकुला सिंडिका का सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके जो बियर के बैड इफेक्ट होते हैं उनमें। तो दोस्तों मैंने यहां पर दो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताए, अब तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर सुनिए। कोकुला सिंडिका को पाउडर फॉर्म में पुराने जमाने में
जुओं को मारने के लिए भी दिया जाता था। जो हमारे बॉडी लाइस होते हैं, जो हमारे सर में जुए होते हैं, जो हमारे शरीर पर जुए होते हैं, अगर हम कोकुलस इंडिका के पाउडर को तेल में मिलाकर शरीर पर लगा लें तो हमारी बॉडी पर पाए जाने वाले जो जुए होते हैं वो भाग जाते हैं, हमारे जो बॉडी लाइस हैं, हेड लाइस हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब दोस्तों लाइस क्या होते हैं? लाइस हमारी बॉडी पर पाए जाने वाले पैरासाइट होते हैं, और पैरासाइट क्या होते हैं? हम जुओं को न्यूट्रिशन तो दे रहे हैं, हम जुओं की केयर कर रहे हैं, लेकिन हमें जुए कुछ नहीं दे रहे। तो अगर इस फीचर से मैं कोकुलस इंडिका आपको याद कराऊं तो कोकुलस इंडिका उन पेशेंट्स को दी जाती है जो दूसरों की निस्वार्थ भाव से बिना किसी पर्पस के सेवा करते हैं, जैसे नर्सेस, नाइट गार्ड्स जो रात भर जगते हैं, नर्स रात भर जगती है और क्या करती है? पेशेंट्स की सेवा करती है, पेशेंट की केयर करती है। उसी तरीके से जो गार्ड होते हैं जो रात में जगते हैं और पेशेंट और सबको जगाते रहते हैं, मतलब पूरी कॉलोनी की या पूरे एरिया की सावधानी रखते हैं कि कोई चोरी ना हो जाए। इसका मतलब कोकुलस इंडिका चूंकि जुओं की मतलब कैसे चीजों में काम आ रही है, जहां हम दूसरों की केयर करते हैं, जुओं को भी तो हम केयर ही कर रहे हैं हमारी बॉडी पर रख के, तो कोकुलस इंडिका को हम उन लोगों में इस्तेमाल करते हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हुए परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, या जिनकी बॉडी में कोई कंप्लेंट हो जाती है, तो हम उसमें कोकुलस इंडिका का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर आपको तीन डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताए कोकुलस इंडिका के। चूंकि इसका पाउडर मछलियों को गिडीनेस और सुस्त बनाने के लिए किया जाता था, इसलिए कोकुलस इंडिका का इस्तेमाल हम उन सभी कंप्लेंट्स में करेंगे जहां मरीज सुस्त हो जाता है, उसको गिडीनेस होती है, उसको चक्कर आते हैं, जैसे ट्रेवल सिकनेस, हैंगओवर ऑफ द अल्कोहलिज्म, या फिर आप नाइट वॉच करते हो और उसके बाद आपको गिडीनेस होती है, तब हम कोकुलस इंडिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि कोकुलस इंडिका के पाउडर का इस्तेमाल हम बियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाते हैं जिससे नशा ज्यादा हो, इसलिए कोकुलस इंडिका ज्यादातर एल्कोहल के बैड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए हम होम्योपैथी में चलाते हैं। चूंकि कोकुलस इंडिका का इस्तेमाल बॉडी लाइस और हेड लाइस को भगाने के लिए किया जाता है, और यहां पर बॉडी लाइस कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं जैसे हम उनकी केयर कर रहे हैं, तो कोकुलस इंडिका का इस्तेमाल हम उन पेशेंट्स में करते हैं जो दूसरों की केयर करने के चक्कर में बीमार हो जाते हैं। आशा करता हूं आपको मेरे शॉर्ट वीडियो से कोकुलस इंडिका के ये तीन फीचर्स याद हो जाएंगे और आप सेफली कोकुलस इंडिका का इस्तेमाल अपने मरीजों को फायदा देने के लिए करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।